नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 3ds Max ट्यूटोरियल के नेक्स्ट लेसन में। इसमें मैं आज आपको बताने वाला हूँ कंफर्म के बारे में। एक कंफर्म होता है आपका कंपाउंड ऑब्जेक्ट में, आप उसको कैसे यूज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। अब कंफर्म जो होता है हमारा, वो होता है क्रिएट में जाके कंपाउंड ऑब्जेक्ट में, और ये होता है कंफर्म। ये एक्चुअल में करता है क्या है, अगर मैं आपको दिखाऊं इसके बारे में। देखो कुछ, अगर आपको इस टाइप का कोई स्ट्रक्चर है, आपका पहाड़ी टाइप में या कुछ इस टाइप का आपका स्ट्रक्चर है, और उस पे आपको कोई रोड बनानी है बिल्कुल उसी शेप में, तो आप कंफर्म की हेल्प से उस चीज को बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं इस टाइप की रोड को, वही मैं आज आपको बताने वाला हूँ। बट उससे पहले मैं कहना चाहूंगा, अगर किसी ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसमें आप 3ds Max, AutoCAD, Revit, आर्किटेक्चर, फोटोशॉप, AutoCAD को बहुत ही इजी वे में सीख सकते हैं। सभी वीडियोस आप देख सकते हैं और बहुत ही इजी वे में आप अपने इन सॉफ्टवेयर्स को इजीली सीख सकते हैं। तो अब कंफर्म के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे पास, हम सबसे पहले एक प्लेन लेंगे। यहाँ पे एक मैंने यहाँ पे प्लेन लिया। प्लेन लेने के बाद यहाँ से हम उसके लेंथ सेगमेंट और विड्थ सेगमेंट को इंक्रीज कर सकते हैं, क्योंकि वो स्मूथनेस देने के लिए मेरे को यहाँ पे सेगमेंट की रिक्वायरमेंट होगी। आपने यहाँ पे स्मूथनेस यहाँ पे ली, और स्मूथनेस लेने के बाद उस टाइप का स्ट्रक्चर बनाने के लिए बेसिकली मेरे को मॉडिफायर लगाना पड़ेगा यहाँ पे, वो है नॉइस मॉडिफायर। नॉइस पे क्लिक करेंगे। नॉइस मॉडिफायर बेसिकली करता क्या है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के अकॉर्डिंग वो उसको पुश करता है, स्ट्रेंथ देता है। मान लो मैंने सीट्स यहाँ पे इंक्रीज की, आप बाद में भी कर सकते हैं। मान लो मैंने एक्स में स्ट्रेंथ लगाई इतनी, वाई में स्ट्रेंथ में इतनी लगाया, और जेड में मैंने स्ट्रेंथ इतनी लगाई यहाँ पे। अब इस स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग मैं और स्ट्रेंथ यहाँ पे यूज कर सकता हूँ। अब देखो आपका स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है। सीड क्या करेगा, उसको डिफरेंट डिफरेंट वे में उस चीज को क्रिएट करेगा। अब मैं स्केल को हल्का सा कम करता हूँ तो वो कुछ इस टाइप का आपका स्ट्रक्चर बना देगा। जैसे भी आपको स्ट्रक्चर चाहिए, आप अपना स्ट्रक्चर उस वे में यहाँ पे बना सकते हैं। मान लो मैं थोड़ा स्केल बढ़ाता हूँ, मेरे को कुछ इस टाइप का यहाँ पे वो वाला स्ट्रक्चर चाहिए। अब इस पे मैं बनाना चाहता हूँ अपनी एक रोड। रोड बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे टॉप में जाता हूँ, वायर फ्रेम ऑन करता हूँ, और मैं यहाँ से यूज करता हूँ, शेप में जाएंगे हम, यहाँ से यूज करेंगे लाइन कमांड को। लाइन कमांड मैंने यूज की यहाँ पे, बिल्कुल ब्रीफ में कैसे लाइन कमांड यूज करते हैं, क्या क्या होता है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। अभी के लिए सिर्फ इतना करते हैं, लाइन कमांड मैंने यूज की, और इनिशियल टाइप को भी स्मूथ रख लेता हूँ, ड्रैग टाइप को भी स्मूथ रख लेता हूँ, क्योंकि मेरे को रोड स्मूथ ही चाहिए यहाँ पे। तो मैं यहाँ से एक लाइन बनाना स्टार्ट करता हूँ। ये मैंने एक लाइन बनाई, मेरे को जो रोड चाहिए मेरे को यहाँ से ऐसे 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 और कुछ ऐसे चाहिए। क्लियर, यहाँ से मैं इसकी प्रॉपर्टी पे जाके मैं इसके वर्टेक्स को क्लिक करके हल्का सा मैं इनको चेंज भी कर सकता हूँ कि कहाँ कहाँ पे मेरे को किस टाइप में चाहिए। ऐसे मैं अपनी रोड को इजीली चेंज कर सकता हूँ कि ऐसे मेरे को यहाँ पे चाहिए, कुछ इस टाइप में मैं अपनी रोड को चाहता हूँ। क्लियर, उसके बाद मैंने ये लाइन यहाँ पे बनाई। अब उसको रोड टाइप का स्ट्रक्चर बनाना। अब रोड टाइप का स्ट्रक्चर आप दो तीन टाइप से बना सकते हो। पहला टाइप ये है कि यहाँ पे एक रेंडरिंग ऑप्शन होता है रोड में, क्या नाम है, लाइन कमांड में, किसी भी शेप कमांड में आप इन दोनों को ऑन कर सकते हैं। जैसे ही ऑन करेंगे तो आप रेडियल या रेक्टेंगुलर शेप इसको प्रोवाइड कर सकते हैं। वायर फ्रेम से बाहर आते हैं। अब मैंने ये लिया, देखो यहाँ पे ये रेडियल शेप है, मेरे को रेक्टेंगुलर चाहिए, मैं रेक्टेंगुलर ले सकता हूँ। लेंथ कितनी चाहिए, जो विड्थ है इसकी, वो मैं चूज कर सकता हूँ, और विड्थ कितनी चाहिए वो मैं अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकता हूँ। मान लो मैंने चूज की कि मेरे को इतनी यहाँ पे रोड चाहिए। क्लियर, या फिर दूसरा वे क्या है, अगर मैं इसको ऑन नहीं करता हूँ, मैं इसको स्वीप कर सकता हूँ। मॉडिफायर लिस्ट पे जाके एस प्रेस करेंगे तो यहाँ पे स्वीप कमांड आएगा, और स्वीप कमांड में यहाँ पे ऑप्शन है यूज बिल्ट इन सेक्शन को यूज कर सकते हो। कौन कौन से ये सब सेक्शन है, बट हम यहाँ से यूज करेंगे बार को, और यहाँ से हम इसकी लेंथ को कम करेंगे हल्का सा, और विड्थ को हम अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट करेंगे। ऐसे भी मैं इसका यूज कर सकता हूँ। क्लियर,
मान लो मैंने अपनी रोड बनाई यहाँ पे, अब मैं इसको राइट क्लिक करता हूँ और इसको करता हूँ कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली। एडिटेबल पॉली इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि वो लाइन को रिकॉग्नाइज नहीं करेगा फॉर रोड पर्पस। क्लियर? तो हमें एडिटेबल पॉलीज को करना पड़ेगा। अब एडिटेबल पॉली करने के बाद मैं जाऊंगा यहाँ पे कंपाउंड ऑब्जेक्ट में। अब मैं यहां से यूज करूंगा कंफर्म। कंफर्म पे क्लिक किया, अब ये कंफर्म की प्रॉपर्टी आ जाती है। थोड़ा सा इसको ध्यान से देखना है आपको। यहां से तो पिक रैप टू ऑब्जेक्ट करके मेरे को क्लिक करना है, बट उससे पहले यहाँ पे एक ऑप्शन है रैपर नेम एस लाइन, जिसको मैंने सिलेक्ट किया हुआ है, जिसको सिलेक्ट करके मैंने कंफर्म को यहाँ पे यूज किया हुआ है। रैप टू ऑब्जेक्ट नेम, यहाँ पे वो वाले ऑब्जेक्ट का नेम आएगा जिसको आप पिक रैप टू ऑब्जेक्ट करके सिलेक्ट करोगे। क्लियर? यहाँ पे अभी जो ऑप्शन है वर्टेक्स प्रोजेक्शन डायरेक्शन, सबसे मेन ऑप्शन ये है कि आप किस तरीके से इस चीज को रैप करना चाहते हो। अगर आप यहाँ से यूज करते हो यूज एक्टिव व्यू पोर्ट, अब जो आपका व्यू पोर्ट एक्टिव है वो ऐसे है कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि ये इसके ऊपर है, बट यहाँ पे ये इससे बाहर है। अगर मैं अकॉर्डिंग टू एंगल करूं, मेरा देखने का एंगल, अगर मैं इसको ऐसे करता हूँ यहाँ पे, तो ये पोर्शन इतना अंदर है, ये इतना पोर्शन बाहर है, तो वो जो एक्टिव व्यू पोर्ट है उसके अकॉर्डिंग रैप करेगा। कैसे करेगा? यूज एक्टिव व्यू पोर्ट पे क्लिक किया। यूज एक्टिव व्यू पोर्ट पे क्लिक करने के बाद मैं करता हूँ पिक रैप टू ऑब्जेक्ट। आप इस पे क्लिक करें और यहाँ पे ऑप्शन है रेफरेंस, कॉपी, मूव या इंस्टेंस। मैं इंस्टेंस अभी यूज कर रहा हूँ। क्यों यूज कर रहा हूँ वो भी आपको रीजन अभी बताऊंगा। इसके लिए मैं अब इस पे क्लिक करता हूँ, आपके प्लेन पे आप इस पे क्लिक करें तो वो उस पे रैप हो जाएगा, बट अकॉर्डिंग टू एंगल रैप हुआ है। अगर आप इसे रोटेट करके देखेंगे तो सिर्फ जितना आपको उस एंगल के अकॉर्डिंग दिखाई दे रहा था उतना ही रैप हुआ है, बाकी आपका कुछ इस तरीके से आपको शो होगा। क्लियर है? आप इसे अंडू कर सकते हैं। एक्चुअल में जब भी आप किसी भी ऑब्जेक्ट को रैप करें तो मेक श्योर कि आप टॉप पे जाएं और वो पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट आपको वहां पे शो होना चाहिए। अब आप करेंगे यहाँ पे पिक रैप टू ऑब्जेक्ट और इस पे क्लिक करेंगे तो वो पूरा ऑब्जेक्ट यहाँ पे रैप हो जाएगा, कुछ इस तरीके से। अगर आप एंगल के अकॉर्डिंग जाएंगे तो वो जितना एंगल आपको दिख रहा होगा उसी के अकॉर्डिंग उसको रैप करेगा। क्लियर? अब क्या है, आपने ये रैप किया, रैप करने के बाद आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि कुछ डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है। मैं उस ऑब्जेक्ट को यहाँ से डिलीट करना चाहता हूँ, तो मैं डिलीट नहीं, मैं हाइड करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे ऑप्शन आता है हाइड रैप टू ऑब्जेक्ट। आप इसे चेक करें तो वो उस ऑब्जेक्ट को हाइड कर देगा। मैं आपको दोबारा से क्लियर करता हूँ। मान लो मैं दोबारा से अंडू करता हूँ, सिलेक्ट किया, मान लो मैं इसका थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ, यहाँ पे प्रॉपर्टी पे जाता हूँ इसकी, और इसका कलर मैं कर देता हूँ कोई रोड के टाइप का, और इसका कलर मैं कर देता हूँ थोड़ा ग्रास के टाइप का, थोड़ा ग्रीन कलर, ओके, कुछ इस टाइप में। अब मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, दोबारा से मैं यहाँ पे यूज करता हूँ कंफर्म को, मैंने कंफर्म क्लिक किया, वही है, आप यूज एक्टिव व्यू पोर्ट पे क्लिक करेंगे, रैप टू ऑब्जेक्ट करेंगे और इसको सिलेक्ट करेंगे तो उतने को रैप करेगा, बाकी को एज इट इज छोड़ देगा। अंडू किया मैंने, मैंने यहाँ पे टॉप व्यू पे जाता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ से रैप टू ऑब्जेक्ट करता हूँ और इस पे क्लिक करता हूँ तो ये इजिली इस पे रैप हो जाएगा। ये मैसिंग आपको नहीं देखनी है तो आप यहाँ पे नीचे हैं और हाइड रैप टू ऑब्जेक्ट करें, आपका रैप ऑब्जेक्ट हाइड हो जाएगा और आपका कुछ इस टाइप में ये यहाँ पे शो हो जाएगा। क्लियर है? उसके बाद और ऑप्शन है कि अगर मैं इसको ध्यान से देखता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे हल्का सा मेरे को गैप नजर आता है इन दोनों के बीच में। ये देखो यहाँ पे भी गैप नजर आ रहा है, ये गैप है यहाँ पे है स्टैंड ऑफ डिस्टेंस, कि इसका डिस्टेंस कितना रहे उससे आपके सरफेस से। अभी 1 है, अगर मैं इसको 0 कर देता हूँ तो बिल्कुल ही आपका सरफेस से चिपक जाएगा। ठीक है, आप चिपकाना चाहते हो बिल्कुल चिपका सकते हो, वरना आप यहाँ पे हल्का सा डिस्टेंस भी यहाँ पे डाल सकते हो कि मेरे को हल्का सा डिस्टेंस इन दोनों के ऑब्जेक्ट के बीच में चाहिए, वो भी आप यूज कर सकते हो, वरना आप चिपका भी सकते हो। क्लियर है? उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन होता है अपडेट ऑलवेज व्हेन रेंडरिंग मैन्युअली। अब ये क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। मान लो आप यहाँ पे, मैं दोबारा से अंडू करता हूँ,
जहां पे मैंने रैपिंग किया था, कंट्रोल जेड कंट्रोल जेड, यहाँ पे। अब मान लो मैंने क्या किया, यहाँ पे इतने पोर्शन को शो किया और यहाँ पे क्लिक किया यूज एक्टिव व्यू पोर्ट पे, रैप टू ऑब्जेक्ट करता हूँ, इस पे क्लिक करता हूँ, रैप हो गया, बट ये वाला रैप नहीं हुआ। मैंने क्या किया, हल्का से इसको घुमाया, अब दोबारा से मैंने कर दिया रिकैलकुलेट प्रोजेक्शन। अगर आप रिकैलकुलेट प्रोजेक्शन करते हो कि मैं व्यूपोर्ट चेंज कर चुका हूं, दोबारा से अब देख लो कुछ ठीक होता हो इसमें, तो रिकैलकुलेट प्रोजेक्शन करूंगा तो अब व्यूपोर्ट मेरे को कंप्लीट दिख रहा है, तो वो उसे रैप कर देगा। जैसे ही आपने इस पे क्लिक किया तो उसने झट से इस चीज को क्या कर दिया, अपडेट कर दिया। तो ये वही ऑप्शन है कि जो अपडेट हो वो ऑलवेज जैसे ही मैं चेंज करूं वैसे ही हो जाए, या फिर जब मैं रेंडरिंग करूं तभी वो चीज अपडेट हो, या फिर मैन्युअली मैं उस चीज को अपडेट कर सकता हूं। मान लो मैंने अंडू किया यहाँ पे, अब मैंने ऐसे किया होगा यहाँ पे, अब मैंने इसको कर दिया पिक रैप टू ऑब्जेक्ट और मैंने इसको सिलेक्ट किया, वो रैप हो गया बट ऐसे आ गया। मैंने क्या किया, ऐसे किया और इसको कर दिया यहाँ पे मैन्युअली। मैन्युअली करने के बाद मैंने दोबारा से कर दिया रिकैलकुलेट प्रोजेक्शन। रिकैलकुलेट प्रोजेक्शन वो कर चुका है बट उसने अपडेट नहीं किया अभी तक। जैसे ही मैं अपडेट पे क्लिक करता हूँ यहाँ पे, तो वो उस चीज को अपडेट कर देगा। तो ये है अपडेट की, आप कब अपडेट चाहते हो, ऑलवेज करोगे तो जैसे ही आप रिकैलकुलेट प्रोजेक्शन पे क्लिक करोगे वो उस चीज को रिकैलकुलेट कर देगा। कुछ और ऑप्शन होते हैं कि जो आपको यहाँ पे चाहिए, अलोंग वर्टेक्स नॉर्मल चाहिए तो उसके अकॉर्डिंग आपका ज्वाइन करेगा, टुवर्ड्स रैपर सेंटर चाहिए वैसे करेगा, टुवर्ड्स रैपर पाइवेट चाहिए, टुवर्ड्स रैपर टू सेंटर चाहिए वो छोटा सा देखो यहाँ पे बनाएगा, टुवर्ड्स पाइवेट चाहिए वैसे बनाएगा। तो ये ऑप्शन जैसे जैसे आपके व्यूज होंगे, जैसे जैसे आपकी रिक्वायरमेंट होगी, वैसे वैसे आपके ये चेंज होते चले जाएंगे। मान लो मैं इसको हाइड करता हूँ। अब अगर मैंने इंस्टेंस किया था, इंस्टेंस का मतलब क्या होता है कि अगर मैं इस प्लेन को सिलेक्ट करके इसकी प्रॉपर्टी पे जाके जो मैंने यहाँ पे नॉइस लिया था अगर मैं उसको चेंज करता हूँ तो उसी के अकॉर्डिंग मेरी शेप भी चेंज होगी। ये होता है इंस्टेंस से बेनिफिट। अगर मेरी शेप कैसी भी मैं चेंज करता हूं तो उसी के अकॉर्डिंग आपकी रोड की शेप भी अपने आप ही चेंज हो जाएगी। ये होता है इंस्टेंस। अगर आप नॉर्मली यहाँ पे मूव करते तो वो मूव हो जाता, आपका जो ये डबल ऑब्जेक्ट आया है ये आपका मूव हो जाता, ठीक है। और अगर आप करते कॉपी, नॉर्मल कॉपी होता, रेफरेंस रेफरेंस हो जाता आपका ये, क्लियर। यहाँ पे है डिस्प्ले, ओनली रिजल्ट शो करना चाहते हो, आप चाहते हो कि रिजल्ट मैं लास्ट में शो करूं तो आप ऑपरेंड्स रख सकते हो, तो आपका यही आएगा, आपको रिजल्ट शो नहीं करेगा। आप रिजल्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे फाइनल रिजल्ट यहाँ पे शो करेगा, क्लियर। अब है कि अगर मैं चाहता हूं कि मैं इस रोड को थिकनेस दूं तो मैं इसको यहाँ पे कर देता हूँ एडिट पॉली। एडिट पॉली करने के बाद, अब बेसिकली एडिट पॉली करने के बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं इन पॉलीगन्स को सिलेक्ट करता हूँ कंप्लीटली। मैं इन सभी पॉलीगन्स को सिलेक्ट करूंगा और पॉलीगन्स को सिलेक्ट करने के बाद मैं एक्सट्रूड नहीं करूंगा, मैं करूंगा फेस एक्सट्रूड। यहाँ पे एक ऑप्शन है फेस एक्सट्रूड का, और आप इस फेस को एक्सट्रूड करोगे, अमाउंट दोगे तो वो रोड की आपकी थिकनेस आ जाएगी और कुछ इस टाइप में आपकी रोड यहाँ पे शो हो जाएगी। अब इसके साथ आप जैसे भी यूज करना चाहते हो, फिर उसके बाद इसको कन्वर्ट टू एडिट पॉली करके इसके अंदर टेक्सचरिंग करना चाहते हो, जो भी करना चाहते हो आप यहाँ पे इस चीज को यूज कर सकते हो। फिर आप यहाँ पे ट्रीज वगैरह लगाना चाहते हो, कुछ भी यहाँ पे प्रोडक्ट लगाना चाहते हो वो भी आप इजिली यहाँ पे लगा सकते हो, क्लियर है। तो आप एक कंप्लीट व्यू ऐसे यहाँ पे रेडी कर सकते हो। तो ये था आपका कैसे आप एक रोड क्रिएट कर सकते हो, कैसे नॉइस की हेल्प से आप एक यहाँ पे टोपो सरफेस रेडी कर सकते हो डिफरेंट डिफरेंट साइज के, डिफरेंट डिफरेंट हाइट्स के। तो ये था आपका कंफर्म की हेल्प से आप कैसे कर सकते हो। हाँ एक और चीज, ये तो था चलो आपने यहाँ पे रोड बनाई, बट अगर मेरे पास मान लो एक सर्कल है यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे एक स्फीयर लेता हूँ, मान लो मैंने एक स्फीयर लिया यहाँ पे, स्फीयर को मैंने सिलेक्ट किया और इसकी रेडियस को बड़ा किया और फ्रंट पे गया मैं यहाँ पे, और मैं यहाँ पे एक प्लेन लेता हूँ, ये मैंने एक प्लेन लिया, मैं इस प्लेन को इस पर रैप करना चाहता हूँ इसकी शेप के अकॉर्डिंग। प्लेन को मैंने सिलेक्ट किया, प्रॉपर्टी थोड़ा सेगमेंट कम कर देता हूँ। अब मैं इसको सिलेक्ट करूंगा क्योंकि रैप मुझे इसे करना है, तो कंपाउंड कंफर्म।
अब यहाँ पे मैं करता हूं पिक रैप टू ऑब्जेक्ट। अगर मैं देखो इतना सा यू दिखाता हूं इसे वो एंगल के अकॉर्डिंग, अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूं पिक रैप टू ऑब्जेक्ट में, पिक रैप टू ऑब्जेक्ट वन सेकेंड को इसको सिलेक्ट करना है और तब आपको कंफर्म लेना है, कंपाउंड कंफर्म। अब लेना है आपको पिक रैप टू ऑब्जेक्ट और आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। देखो अंडू करता हूं, अब मैं इसको थोड़ा हल्का सा दिखा के इस पे क्लिक करके इस पे क्लिक करता हूँ, सिर्फ ये इतने पार्ट को देखो उसे यहाँ पे मिला देगा। क्लियर है? वो किसकी वजह से हुआ? सिर्फ मेरे एंगल की वजह से, जो मेरा यहाँ पे यूज एक्टिव व्यू पॉइंट मैंने यूज किया हुआ था। अब यहाँ पे इनकी हेल्प से आप यूज कर सकते हो कि अलोंग विद वर्टेक्स रैप ऑब्जेक्ट यहाँ पे कर सकते हो, और अगर आप करते हो टूवर्ड्स रैप टू सेंटर तो वो कुछ इस टाइप से इससे रैप हो जाएगा। देखो हल्का सा डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को आप इसको जीरो करके कर सकते हो फिनिश, या फिर रैप टू पाइवेट कर सकते हो, तो इस तरीके से आपका यहाँ पे रैप हो जाएगा। कमांड से बाहर आके आप इस ऑब्जेक्ट को डिलीट अंडू करें और इस ऑब्जेक्ट को पहले आप कर दें हाइड और फिर आप इस ऑब्जेक्ट को डिलीट कर सकते हैं, तो आपका ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ जाएगा और इसको आप अपने किसी भी पर्पज से यूज कर सकते हो। और ऐसे ही किसी भी चीज पे आप किसी भी चीज को रैप कर सकते हो, तो उस टाइप की स्ट्रक्चर आपका यहाँ पे बन जाएगा। क्लियर दोस्तों? तो आशा करता हूँ आपको ये कंफर्म अच्छे से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर किसी ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, शेयर करें और प्लीज लाइक करके बताएं कि आपकी वीडियो कैसी लगी और सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं। Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake.